ऐसा क्यों है? कल जो गुफ्तगू हो रही थी उससे गुफ्तगू को मरबूत कर दिया जाए कि असल में इंसान इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि वो अपने रब को पहचाने, अपने खुदा को पहचाने। असल जो मारिफत जिम्मेदारी है इंसान की वो अल्लाह की मारिफत है, खुदा को पहचानता हो। और तवज्जो करिए क्यों, इसलिए कि इंसान की खिलकत का हदफ महज इबादत नहीं है। चुनांचे अभी बात बात हो जाएगी और जल्दी से इसे अर्ज कर करके आगे बढ़ूँ कि ये जो आयत हम पढ़ते हैं कुरान मजीद ये कहता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को नहीं खल्क किया मगर इसलिए ताकि वो हमारी इबादत करें। इसकी तफसीर यूँ ही की गई है इल्ला लियअरिफून यानी लियअरिफून, यहाँ इबादत से मुराद खुद मारिफत है कि इंसान अपने रब को पहचान करके सर झुकाए, अपने माबूद को पहचान ले तब सर झुकाए। तवज्जो करेंगे क्यों, इसलिए कि उसे बगैर समझा बूझा बगैर फिक्र किया हुआ एक सलावत और पढ़ने मोहम्मद वाले पढ़ने एक और सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले तो अर्ज कर रहा था कि ये असल जिम्मेदारी जो है वो खुदा की मारिफत है, लेकिन इंसान की मुश्किल ये है कि इंसान के पास वो सलाहियत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो वाकई खुदा को पहचान सके। बंदे के अंदर, इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने रब को पहचान सके, वो खुदा को समझ सके, उसकी मारिफत हासिल कर सके। चुनांचे अब ऐसे में इंसान की जिम्मेदारी ये पूरी कैसे होगी? खुद रावी कहता है कि मैं हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने आकर के इमाम से सवाल किया कि मा मारिफतुल्लाह, मौला ये बताइए कि अल्लाह की मारिफत कहते किसे हैं, या आखिर है क्या चीज़ ये जो चीज़ इतनी मशहूर है, इतनी इसकी इसका तस्करा है, इतना इसका चर्चा है, इतना इसका तकाजा किया गया है कि इंसान अपने रब की मारिफत हासिल करे, मा मारिफतुल्लाह, तो आप ये बता दें कि असल में अल्लाह की मारिफत है क्या। इमाम अपने असहाब के साथ कहीं जा रहे थे और ऐसे में मैंने आगे बढ़ करके इमाम से सवाल कर दिया कि शेख उस सैयद शहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इस सलवात पे तो मजलिस नहीं होगी, सैयद शुहदा से सवाल किया जा रहा है कि अल्लाह की मारिफत क्या है। कहते इमाम ने फरमाया मारिफत अहलो अहले कुल्ले ज़मानिन, इमाम हूँ हर जमाने के लोग अगर अपने जमाने के इमाम को पहचान लें यही काम उन्हें अल्लाह की मारिफत से बेनियाज कर दे। तो असल जिम्मेदारी इंसान की है खुदा को पहचाने, असल इसकी जिम्मेदारी यह है कि अपने रब को पहचाने, मगर चूंकि इसकी मुश्किल यह है इंसान की, वो मुश्किलात क्यों है सारी बहसों को अगर छेड़ दूंगा तो जो मौजू है वो रह जाएगा। इंसान की कमजोरी यह है कि वो वाकई खुदा को नहीं पहचान सकता है, लिहाजा उसके लिए इंतजाम यह है कि अगर हर जमाने के लोग अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल कर लें तो यही मारिफत किफायत करती है, अब उसे अलग से खुदा की मारिफत की जरूरत नहीं। तवज्जो करें क्यों, इसलिए कि ये लोग कोई अलग नहीं है, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें कुदरत ने अपनी सिफात का मजहर बना के भेजा। अगर इनको पहचान लिया गोया खुदा को पहचान लिया। तवज्जो करिएगा, खुदा कोई अलग से कोई जात अलग और सिफात अलग कोई ऐसी चीज का नाम नहीं है, उसकी जात और सिफत एक है, उसकी सिफात के मज़ाहिर ये बंदे हैं। अल्लाह ने अपनी सिफतों को इन बंदों को अता किया है। इस जमीन के ऊपर जितना जो बंदा अपने ज़माने के इमाम को पहचानता चला जाएगा जाहिर है उससे उतना ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इसलिए कि जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है तारीख में कि कौन इमाम के साथ है कौन इमाम के साथ नहीं है, कौन किस हद तक इमाम की इताअत कर रहा है कौन किस हद तक इमाम की मुखालफत कर रहा है, सबके पीछे जो चीज़ काम कर रही है वो यही मारिफत काम कर रही है। तवज्जो करिएगा, यह मुमकिन नहीं है कि इंसान अपनी मारिफत से अलग हट करके कोई अमल अंजाम दे दें, कोई अकीदा बना ले, कोई नजरिया बना ले, जी नहीं। जिस चीज की जितनी मारिफत पैदा होती जाती है उसकी मारिफत के असरात इंसान के वजूद पर तारी होते रहते हैं।
बिल्कुल कानून है कि ऐसा हो करके रहेगा। ये दो और दो चार वाली बात है कि सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाले। अब जो गुफ्तगू कल होनी चाहिए थी मगर रह गई वक्त की कमी की वजह से, उसे जल्दी से आपके सामने अर्ज करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। मसला यही था कि इंसान को अपने रब की मारिफत हासिल करनी है। मैं ये कह रहा था कि उसने मुतालबा मानने का नहीं किया है। कहीं भी दीन ने, इस्लाम ने, शरीयत ने, खुदा ने ज़बरदस्ती मनवाया नहीं है। अल्लाह ये चाहता है कि तुम पहचान लो। अब जाहिर है कि ये सवाल तो पैदा हो जाएगा कि साहब ये तो मसला बहुत आसान कर दिया, यानी अब कुछ मानना वानना नहीं है, सिर्फ इंसान ने अगर मारिफत हासिल कर ली तो काफ़ी है, अगर पहचान लिया तो काफ़ी है, अब अमल की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मानना नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अभी चूंकि ये लफ्ज़ मारिफत खुद नहीं खुला है, वरना ये सवाल पैदा ही ना होता। क्यों? इसलिए कि मुमकिन नहीं है कि मारिफत पैदा हो जाए और अमल ना हो। लिहाजा इन दो चीज़ों को अलग तो किया ही नहीं जा सकता है, मगर हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ जाए कि साहब अल्लाह नहीं चाहता कि उसे माना जाए, सिर्फ पहचाना जाए। यानी आपने कल कहा कि पैगंबर ने फरमाया हादा हुसैन उनफारिकू, या हुसैन है इसे पहचान लो, यानी हुसैन को मानना नहीं है, सिर्फ पहचान लेना, ये कहना चाहते हैं। मैंने कहा जी नहीं, ये नहीं कहना चाहते। असल में हम ये कहना चाहते हैं कि बगैर पहचाने न मानो। तवज्जो करिए, बगैर पहचाने न मानो, पहले पहचानो फिर मानो। तो मेरे गुफ्तगू को इतना तवील करने की जरूरत भी क्या है, जब कुल मिला के काम वही करना है, आगे चल करके करना वही है कि मानना ही है, खुदा को तस्लीम करना है, जमाने के इमाम को इमाम तस्लीम करना है, आइमा की इमामत को तस्लीम करना है। तो जब मानना ही है तो गुफ्तगू को इतना फैलाने की क्या जरूरत है कि पहले मारिफत हासिल हो, उसके बाद इंसान तस्लीम हो, फिर कबूल करे। सीधे सीधे मान ही रहा है, अब उसमें मारिफत की जरूरत क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्या जरूरत है? उन्होंने कहा इसमें दोनों में फर्क है। क्यों? इसलिए कि जब लोग बगैर मारिफत के इकट्ठा हो जाते हैं, और बगैर मारिफत और बगैर पहचान के, बगैर इल्म के किसी बात को कबूल कर लेते हैं, तो जितनी आसानी से किसी दायरे में आते हैं उतनी ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ये रहा तारीख में, ये जो बार बार गुफ्तगू इत्तेफाक से रोजाना भीड़ पे आ जा रही है, उसके पीछे कहानी यही है कि इंसान का मिजाज ये है कि किसी भी बात को बड़ी आसानी और से कबूल कर लेता है, उसके सामने तस्लीम हो जाता है, कोई बात कोई कहे उसे मान लेता है। तवज्जो करिएगा, शिनाख्त के बगैर मान लेता है। इसमें खराबी ये है कि जब बगैर पहचाने किसी को मानेगा, बगैर उसकी मारिफत के किसी के सामने तस्लीम हो जाएगा, तो कब तक मानेगा? जब तक हालात साजगार होंगे, जब तक माहौल ठीक होगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक हालात ठीक ठाक हैं, नॉर्मल है सब कुछ, तब तक वो मान रहा है, मानने वाला है, मगर जरा से हालात ने करवट ली, जरा सा माहौल खराब हुआ, अब वो लोग की जो बगैर मारिफत के मान रहे थे वो भीड़ में आपको नजर नहीं आएंगे। तवज्जो करिएगा, चाहे वो कूफे के 18,000 अफराद हों, उन्होंने देखा कि सब मान रहे हैं, सब बैत कर रहे हैं, जब मैं गफीर है जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैत करने वालों, 18,000 लोग चंद दिनों में किसी के हाथों पे बैत कर लें, सबने मुस्लिम को इमाम का नुमाइंदा मान लिया या नहीं मान लिया? तवज्जो करें, जब इमाम ने जनाब मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बना करके, अपना सफीर और अपना लेटर दे करके कूफे भेज दिया, तो चंद दिनों में कितना वक्त लगा जनाब मुस्लिम को कि 18,000 एक बड़ी तादाद है, छोटी सी तादाद नहीं। तवज्जो करिएगा, 18,000 की तादाद में लोगों ने अगर जनाब मुस्लिम के हाथों पर आकर के बैत कर लिया, गोया सब ने जनाब मुस्लिम को सफीर हुसैन और नुमाइंदे हुसैन तस्लीम कर लिया। मगर ये वो लोग हैं कि जो बगैर इमाम को पहचाने और बगैर नायब इमाम को पहचाने हुए मान रहे।
इसलिए कि इन्होंने सिर्फ मान लिया है, नहीं ये हुसैन को पहचान सके हैं, और जब हुसैन ही को नहीं पहचाना तो सफीरे हुसैन को क्या पहचानेंगे। लिहाजा जब तक माहौल ठीक ठाक रहा, जब तक ये हालात ठीक ठाक रहे, जब तक मीटिंगें होती रही, जब तक नारे लगते रहे, जब तक सारे हालात साजगार रहे, तब तक ये सारा मजमा आपको जनाब मुस्लिम के इर्द-गिर्द दिखेगा। मगर उधर जरा सा हालात ने करवट ली और नोमान बिन बशीर को कूफे की गवर्नरी से हटा करके यजीद ने बने ज़ियाद को गवर्नर बना के कूफे भेजा। सिर्फ एक खबर दौड़ी है पूरे कूफे में कि नोमान बिन बशीर को हटा दिया गया है और अब नया गवर्नर कूफे में आया है। कौन आया है? का इब्ने ज़ियाद। तवज्जो करिएगा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। सिर्फ इसके नाम की दहशत इतनी थी कि वो लोग की जो कल तक मान रहे थे वो सब अपने अपने घरों के अंदर आकर के सुकून से बैठ गए और नुमाइंदे इमाम कूफे की गलियों में तन्हा है जो सफर कर रहा है। ये क्यों हो गया? तवज्जो करिएगा, क्योंकि ये वो लोग थे कि जो बगैर पहचाने सिर्फ मान रहे थे। मैं जुमला कह रहा हूँ दीदो, इसीलिए बार बार दीन मना कर रहा है कि तुम हमारे नुमाइंदों को भी खतरे में डाल दोगे अगर बगैर पहचाने मान रहे हो। जुमला कह रहा हूं जी, तुम हमारे नुमाइंदों को भी खतरे में डाल दोगे अगर बगैर पहचाने मान रहे हो। क्यों? इसलिए कि जब तक सब कुछ मीठा मीठा होगा तब तक तुम उसके इर्द गिर्द रहोगे, और जैसे जरा सा हालात खराब होंगे वैसे ही उसका साथ छोड़ करके अपने लिए जाए पनाह तलाश कर लोगे। मगर हाँ, इन्हीं तारीख में ऐसे अफराद भी हैं कि जिन्होंने मारिफत हासिल कर ली, अपने ज़माने के इमाम को पहचान लिया, बहैसियत इमाम पहचान लिया, अब हालात उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, माहौल उन्हें तब्दील नहीं कर पाया, तलवारें उन्हें नहीं बदल पाई। नहीं नहीं, जो अंदाज़े गुफ्तगु हालात ठीक होने पर थे वही सूली पर चढ़ाने के बाद भी था। ये कौन है कि जो सूली पे बोल रहा है ये भी इमाम का मानने वाला है, वो भी इमाम को मानने वाले हैं, मगर दोनों में फर्क ये है, ये बगैर पहचाने मान रहे थे तो तन्हा छोड़ दिया, वो पहचान के मान रहा था तो जबान काट ली गई मगर किरदार में तब्दीली नहीं आई। सलवात पर मोहम्मद वाले मिसालें भरी पड़ी हैं, और यही वजह है कि जो बार बार कोशिश की जा रही है पैगंबर के ज़माने, पैगंबर की ज़बानी, मासूमीन की ज़बानी, ये लोग अपने ज़माने के इमाम को पहचान लें। अब एक बहस थोड़ी सी आज शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से कुछ बच्चों के जहन में पहुँच जाए। ये जो पहचान पहचान कहा जा रहा है इससे क्या मुराद है? तो आप जो बहस कर रहे हैं गैरों के मजमे में करें तो बात समझ में आती है, अपने के मजमू में यहाँ सब अभी किसी से पूछेंगे कि आपका इमाम कौन है बता देगा, ये बेकार की बहस है या नहीं? ये तीन दिन आपने वक्त ख़राब किया हमारा, और इरादा आपका ये लग रहा है कि अभी और भी वक्त ख़राब करेंगे, क्या ज़रूरत है इसकी? हम सब इमाम को तो पहचानते हैं, अभी छोटे से बच्चे से पूछिए, इमाम अली से शुरू करेगा इमाम आखिर तक आएगा, है या नहीं है? बिल्कुल है, क्या ज़रूरत है? भाई इसी लफ्ज़ को ज़रा सा खोल रहा हूँ, तवज्जो करिएगा। असल में मारिफत या पहचान, किसी की पहचान के बारे में जब गुफ्तगु हो खूब गौर कीजिएगा, तो ये दो हिस्सों में तकसीम होगी हमारे। ये पहचानना इसके दो जुज हैं, एक मरतबा है ज़ात को पहचानना, एक मरतबा है खुद शख्स को पहचानना, ज़ात को पहचानना, और एक बार है उसकी शख्सियत को पहचानना। और आसान कर देते हैं, एक बार ये है कि इंसान ये जाने कि उसका इमाम कौन है। इतने पे मारिफत हो गई काजी ने, ये सब जानता है कि हमारा इमाम इस वक्त ये है, बस इतने का मुतालबा दीन नहीं कर रहा है, और हमारे पास जो मारिफत है वो यही है। आप सन के एतबार से गिना सकते हैं, इस सन से इस सन तक ये इमाम, इस सन से लेकर के इतने बरस तक ये इमाम, इतने बरस इनके बाद ये इमाम, इनके बरस ये, और अपने ज़माने तक चले आएगा ये इमाम। यानी कि शख्स से इमाम को पहचान रहा है, मसला है शख्स इमाम को नहीं पहचान रहा, सिर्फ शख्सियत इमाम को पहचान रहा। यानी इमाम कौन है ये एक बात, इमाम कैसा होगा ये दूसरी बात, इमाम के सिफात क्या क्या हैं, इमाम के कमालात क्या क्या हैं, इमाम के अख्तियारात क्या क्या हैं, असल बहस इस पर है।
इसलिए कि अगर सिर्फ एक जात को पहचान रहा है कि इस वक्त मेरा इमाम ये है, ये पहचानना कोई पहचानना नहीं हुआ, इस जात को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर जब इंसान खसूसियात इमाम, तवज्जो करें, शख्सियत इमाम, उसके सिफात, इमाम कौन हो सकता है, इमाम की खसूसियात क्या क्या हैं, इमाम के अख्तियारात क्या क्या हैं, इमाम कैसा होगा, इमाम को कौन बनाएगा, तवज्जो करिएगा, ये सारी चीजें पहचानेगा तब इंसान बामारिफत कहा जाएगा। एक सलवात और पढ़ें, तवज्जो करिए। तो इंसान की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जात को पहचान ले कि हाँ ये इमाम है, बल्कि ये हैं तो ये कैसे हैं, ये मसला है, तवज्जो करिए। और असल जो मारिफत का लफ्ज आता है वो इसी मफहूम के लिए आता है कि इंसान मारिफत हासिल करे, खुदा है ये सब जानता है, हमारा खुदा कौन है भाई, वहदुल्ला शरीक, ये क्या अपने सजदों को एक सिम देना, रुक देना, ये हमारा खुदा है। मगर वो खुदा कैसा है ये मारिफत है, तवज्जो करते हैं, वो परवरदिगार कैसा है ये मारिफत है असल में। और यही इंसान की जिम्मेदारी है कि वो जितना अल्लाह को उसके सिफात के साथ पहचानता चला जाएगा उतना ही खुदा से करीब होता चला जाएगा, मारिफत काम ये करती है, उतना ही मुती होता चला जाएगा, जितना अपने ज़माने के इमाम को पहचानता जाएगा उतना ही अपने ज़माने के इमाम का मुती होता जाएगा। फिर हालात बदलने पर इंसान रास्ते नहीं बदलता, तवज्जो करिएगा, फिर हालात बदलने पर इंसान रास्ते नहीं बदलता, नहीं नहीं, अब अगर इमाम को पहचान के माना है तो इमाम खुद भी अगर चिराग बुझा के कहे चले जाओ तो अब इमाम से अपना रास्ता जुदा नहीं होगा, अब रास्ता वही होगा जो इमाम का है। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले, और ये होता है क्यों, इसलिए कि इंसान की हालत यह है। चुनांचे खुद सईद शोदा का फकरा है, अन्नास अबीद दुनिया, लोग असल में दुनिया के बंदे हैं, सईद शोदा कह रहे हैं, अन्नास लोग ये किसके बंदे हैं, खुदा के, ये तो मस्जिदों में नजर आ रहे हैं, ये तो इबादत खानों पे नजर आ रहे हैं, ये तो खाने काबा में नजर आ रहे हैं, ये सब अल्लाह के बंदे हैं। इमाम कह रहे नास अबीद दुनिया, लोग दिख रहे हैं मस्जिदों में, लोग दिख रहे हैं खाने खुदा में, लोग दिख रहे हैं इबादत गाहों में, मगर असल में ये अल्लाह के बंदे नहीं है, ये दुनिया के बंदे हैं। तवज्जो करें, अन्नास अबीद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, व दीनो लैकुन अला अलसनतिहिम, दीन तो जबान पे जायके के लिए इन्होंने रखा हुआ है, सैयद शोहदा का जुमला है, दीन को जबान पे जायके की जगह रखा है, बाद लोगों ने इसको चटनी से ताबीर दिया है, दीन इनके लिए चटनी से ज्यादा हैसियत नहीं है, चटनी असल गजा तो नहीं होती ना, चटनी दस्तरखान पे कायली रखी जाती है कि उस खाने में जायका बढ़ा दिए, चटखाने के लिए, दीन लयसनते, दीन असल में जायके के लिए इन्होंने रखा है अपने साथ, यकूतूनहु मा दर्रत माएशुहुम, दीन के इर्द गिर्द बड़ा मजमा आपको नजर आएगा, कब तक, जब तक कि हालात ठीक ठाक हो, वेदा मोहेसु बिल बला कल्लत दयानून, मगर जब बलाओं के जरिए से इन्हें आजमाइश में मुब्तला किया जाता है तो दीनदार बड़े थोड़े निकलते हैं। देखिए भीड़ को छांट दिया ना इमाम मखरूम ने, अब भीड़ हट गई, का लोग असल में बंदे हैं दुनिया के, ये नजर आ रहे हैं कि खुदा के बंदे हैं और इन्होंने दीन को अपना लिया है, दीनदारी करते हैं, नमाज दिखती है, रोजा दिखता है, हज दिखता है, वो सारे ये आमाल दिख रहे हैं, देखना ये होगा कि इबादत किसकी कर रहे हैं, इससे बहस नहीं है, अब्द किसके हैं, तवज्जो करिएगा, बंदे किसके हैं, इबादत करने से उसका बंदा नहीं होता है इंसान, असल में किसकी बंदगी में है, किसका अब्द है, उसी के पीछे जाएगा। चुनांचे इमाम कह रहे हैं कि थोड़ा सा दीन इन्होंने रखा है क्यों, ताकि जायका पैदा करें जिंदगी में, लुत्फ के लिए, चटखारे के लिए, और ये बहुत ज्यादा जहर है, तवज्जो करिएगा। और इबरत का मकाम भी है कि हर इंसान अपने हर उस काम को
कि जिसे वो दीन का नाम देता है, यहाँ ठहर के इस हदीस पे गौर करे, कहीं ये काम जो हम अंजाम दे रहे हैं ये सिर्फ चटखारे के लिए तो नहीं, ये सिर्फ जायके के लिए तो नहीं, ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए तो नहीं, ये सिर्फ लुत्फ आने के लिए तो नहीं। तो हमारी मुश्किल हो गई है कि अब दीन की चीज़ें भी जिसमें जायका ना हो अच्छी नहीं लगती है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, तवज्जो करें, हर चीज में हमको जायका चाहिए। इमाम करें ये दीनदार वो लोग हैं कि इनको दीन जायके के तौर पर इन्होंने रखा है। कब तक भीड़ और मजमा नजर आता है? जब तक ये हालात ठीक होते हैं, इन्हें फायदा मिल रहा है, दीन से फायदा कोई पहुंच रहा है, मगर जब मुश्किलात और परेशानियों में इंसान को मुब्तला किया जाता है, क्यों? ताकि इनकी आजमाइश की जाए। अल्लत दयानून, तो बहुत कम लोग दीनदार निकलते हैं। हर जमाने की गुफ्तगू सैयद शुहदा कर रहे हैं और इसी का तजर्बा तारीख ने बार बार किया है कि आइमा के सामने हमें मजमा नजर आया, तो मैं बार बार हर रोज कह रहा हूँ हमें भीड़ नजर आई, मगर हकीकत में दीनदार जब जरूरत पड़ी तो बहुत कम निकले उसमें। आज जो ये जमाना इतना तूलानी है, अल्लाह इमाम क्यों बनाता है? इमाम क्यों बनाया जाता है? तो जो बने इमाम की जरूरत ही क्या है समाज और माशरे को? बस अब इसका काम है रहबरी करना, इसका काम है इमामत करना, इसका काम है लोगों की हिदायत करना। तो अल्लाह इमाम बनाता है लोगों के दरमियान रख करके, इमाम के जरिए से कौम और उम्मत की इसलाह और उसकी हिदायत और रहबरी कराने के लिए। अल्लाह इमाम नहीं बनाता पर्दे में बिठाने के लिए। कोई इमाम इसलिए नहीं बनाया जाता है इसे पर्दे में बिठा दिया जाए। हाँ कुछ दिन की बात अलग है, लेकिन मुसलसल 1200 बरस से कम भीड़ नजर आ रही है, कम मजमा नजर आ रहा है। क्यों इमाम होते हुए गैबत के पर्दे में? तवज्जो करिएगा, क्यों? इसलिए कि ये भीड़ है, मजमा है, और वो मजमा है कि इसके पास दीन जायके के लिए हिस्से ज्यादा नहीं है। तवज्जो करिए, अब का जब तक कि बामारिफत अफराद न पैदा हो जाए, अब अल्लाह गैबत के पर्दे को हटा करके इमाम को जहूर की इजाजत नहीं देगा। और ये जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, अब जो बात कहने जा रहा हूं उसे खूब तवज्जो से सुनिएगा। अगर हालात ऐसे ही रहे कि जैसे हैं और गुज़श्ता 1200 बरस से कम ज़्यादा और हालात सब कुछ वही, और उसके बाद इमाम को ज़हूर की इजाज़त दे दी जाए, अब थोड़ी अक्ल से सोचें इस बात को कि क्या 1200 बरस के फेल परवरदिगार पर एतराज़ की गुंजाइश है या नहीं? जब ऐसे ही लोगों में बिलाखिर इमाम को भेजना ही था तो 1200 बरस तक पर्दे में क्यों रखना? तवज्जो करिएगा, 1200 बरस तक इमाम को पर्दे में क्यों रखा? ज्यादा अकल कहती है कि अब जब तक बामारिफत और इमाम को पहचान करके मानने वाले लोग न पैदा हो जाए, इमाम का ज़हूर अकली नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, ज्यादा मैंने पहले ही दिन ये कहा था कि हर जमाने की यूं तो जरूरत रही है, मगर आज हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई मौजू जरूरी है तो अपने जमाने के इमाम को पहचानना। जितनी मारिफत पैदा होती जाएगी उतना हम इमाम से करीब होते चले जाएंगे, आप यकीन जाने। और मैं आइंदा अर्ज करूंगा इसके वाकयात आपके सामने, दलीलें आपके सामने, कि कैसे खुद शिनाख्त इमाम इमाम से इंसान को करीब कर देती है। जितना अपने ज़माने के इमाम को इंसान पहचानता चला जाता है उतना करीब होता जाता है। मैंने अभी आपके सामने मिसाल दिया कि भीड़ तो कूफे में भी नज़र आ रही है, भीड़ और जगहों पर भी हमको नज़र आ रही है, मगर जिसने पहचान करके अपने इमाम को पहचान माना है, तस्लीम किया है, उसे सूली पे चढ़ाया गया, जबान काटी गई, हाथ पैरों पर कील ठोक दी गई, मगर उसके रंग में कहीं से तब्दीली नहीं पैदा हुई, ऐसे लोग चाहिए। तवज्जो करिएगा, क्यों? जब इमाम को इमाम मान लिया है कि इमाम वो एक ऐसा वजूद है कि जिससे सिवाय खैर के हम तक कुछ पहुंच ही नहीं सकता, ये तय। एक मिसाल एक सिफत बयान कर रहा हूं, इमाम एक ऐसा वजूद, क्यों? इसलिए कि मजहर सिफात परवरदिगार, परवरदिगार ऐसा वजूद कि ज़ात परवरदिगार से सिवाय खैर के किसी और चीज का तसव्वुर मुमकिन नहीं। वो अलग बात है कि हमारी मारिफत ही इस मंजिल पर नहीं है कि हम इसको समझ सकें कि खुदा क्या है, खुदा कौन है, और खुदा किन किन अफाल को अंजाम देता है, खुदा की खसूसियात क्या है अपनी जगह पर। मगर एक
बात जो कह रहा हूं, जाते परवरदिगार से सिवाय खैर के और कुछ सादिर ही नहीं होता। तो अब खुदा जिन्हें अपनी सिफात का मजहर बना के भेजेगा, उस जात से भी सिवाय खैर के कुछ सादिर हो ही नहीं सकता। और तवज्जो करिएगा, यानी शर का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता अगर आपने ईमान को पहचान लिया। अब इस पर मैं बहुत देर बोल सकता हूं, मगर मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से अपने असल मौजू तक पहुंच जाऊं, कि जहां के लिए मैं सिर्फ अभी सफर कर रहा हूं आपको लेकर के अजीजों, वरना जल्दी जल्दी एक दो बातें तो अर्ज की जा सकती हैं। अगर इंसान इमाम को इस नजर से देख रहा है कि ये हमारा वो इमाम है, इसकी अभी सारी सिफतों पे बहस बाद में, एक सिफत ये है कि इसकी जात से सिवाय खैर के हमको कुछ और नहीं पहुंचेगा। तवज्जो करिए, खैर और शर को समझ रहे ना, कम अज कम सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो खैर और शर की हद तक जो इंसान समझना, कुछ अफाल वो होते हैं कि जो शर होते हैं। शर कोई आदमी पसंद नहीं करता, दुनिया का कोई आदमी शर अपने लिए नहीं पसंद करता। उतरने के बाद आप क्यों तो, वरना शर पसंद लोग भी होते हैं। आप कह सकते हैं कि यार ये काम कह दिया, शर नहीं पसंद। शर पसंद तो होता ही है। दुनिया का कोई आदमी अपने हक में कभी शर नहीं चाहता, कितना बड़ा भी शरीर क्यों ना हो, दूसरों के साथ सुबह शाम शर करने वाला भी अपने हक में शर नहीं चाहता। दिन भर दूसरों के साथ शर करेगा, मगर चाहेगा कि मेरे साथ खैर हो, अपनी खैर बनाएगा। तवज्जो करिए, बड़े से बड़ा मुजरिम इसकी दलील है। सैकड़ों जुर्म करने वाला जब अदालत में जज के सामने जाएगा, तो हर लम्हा तवक्को यही करेगा, मेरे साथ नेक काम ठीक ठाक हो, रियायत बरती जाए, छूट दी जाए, माफ कर दिया जाऊं। ये क्या है, हर आदमी अपने हक में खैर तलब, खैर चाहता है। दूसरों के हक में कितना भी शर कर रहा है, उससे बहस नहीं है। पूरा महल्ला परेशान हो, पूरा जिला परेशान हो, इससे कोई बहस नहीं है, मगर चाहता है मेरे साथ कोई शर ना करने पाए। हर वो काम करता है जिससे उसकी जात शर से महफूज रहे। मैं एक सवाल करता हूं कि ये शर है क्या, किस चीज को शर कहते हैं, किस चीज को खैर। इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितने अफआल अंजाम देता है, जो कुछ भी करता है, वो सिर्फ इन्हीं दो में से किसी एक का हिस्सा है। या वो जो कर रहा है वो शर है, और या वो जो कर रहा है वो खैर है, तीसरी कोई किस्म नहीं। तवज्जो करिए, दरमियान का कोई रास्ता नहीं कि नहीं साहब न ये खैर है न शर। जी नहीं, जो कुछ कर रहा है, एक वजूद से जो सादिर हो रहा है, वो या खैर के खाने में है या शर के खाने में। और यही वजह है कि खालिक कायनात ने इंसान की पूरी हयात को जब इंसान के सामने रखने की बात की है, तो इन्हीं दो बातों का सहारा लिया है, दो लफ्जों का। वमन यामल मिसकाला दर्रतिन खैरई जरा, वमन यामल मिसकाला दर्रतिन शर्रई। बात खत्म, तीसरी कोई किस्म नहीं। तुमने जो कुछ भी किया है, अगर वो खैर में है वो भी दिखाएंगे, अगर वो शर में है वो भी दिखाएंगे। तो हो सकता है कुछ अमाल ऐसे हो जो ना खैर हो ना शर, इसका तस्करा ही नहीं किया कुरान ने। दो ही किस्म बनाई, इसका मतलब जो कुछ कर रहा है इंसान, वो या खैर के खाने में है या शर के खाने में है। मेरे साथ रहिएगा, तवज्जो करिएगा, इंसान का मिजाज है। अब एक सिफत आ गई दरमियान में, तो थोड़ा सा इस पर जल्दी से गुफ्तगू कर ली जाए। मगर सवाल मेरा अपनी जगह पर है, क्या इंसान ये समझने के काबिल हो गया कि खैर क्या है। इसे कहते हैं खैर, हमारा आपका जो खैर है ये चाय से शुरू होता है। एक कप चाय से ये खैर शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते दस्तरखान तक जाता है, और आगे बढ़ जाए तो जहां तक जाए। निसाब फना साहब के खिलाफ मेरे बड़े खैर खां हैं। खैर खां क्या मतलब है, जब देखते हैं चाय पिलाते हैं और क्या है ना। और आगे बढ़िए, एक दूसरे के घर खाने पे मदऊ हैं, दस्तरखान पे मदऊ हैं, और आगे बढ़िए, किसी को ज़रूरत पड़ गई, दूसरे के काम आ गए, वक्त पे खड़े हो गए, ज़रूरत को पूरी कर दिया, यही सारी चीज़ें जिसे आप खैर का ही कहते हैं। तवज्जो करिएगा,
फलां खैर खा है मेरे, खा यानी चाहे ना, खैर यानी खैर, वो हमेशा मेरे हक में खैर चाहते हैं, खैर खा ये मतलब है, तवज्जो करिए, है ना। तो क्या किया उन्होंने, इसका मतलब ये है कि आपकी जरूरत पर खड़े हो गए, आपकी किसी परेशानी को दूर कर दिया, आपकी किसी किसी मुश्किल से आपको निकाल दिया है, यही तो आप खैर खा मान रहे हैं उसको, तवज्जो करिए। और यही सब कुछ नहीं किया है तो शर करने वाला है। क्या इंसान ने खैर और शर को समझा? हमारा तसव्वुर, हमारी फिक्र अभी उस मंजिल पर है कि चाय से हमारा खैर शुरू हो करके दस्तरखान से गुजरता हुआ कुछ दिरहम और दीनार और कुछ चीजों तक पहुंचता है। लेकिन सलाम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इससे ज्यादा खैर का कोई तसव्वुर हमारे पास नहीं है। और यही वजह है कि कुरान मजीद ये कह रहा है असा अंतक रहू शैयन बहुआ खैर उन लकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असा अंतक रहू शैयन बहुआ खैर उन लकुम, यह हो सकता है कोई चीज तुम्हें बड़ी बुरी लगे मगर वही तुम्हारे लिए खैर हो, वसान तो हिप्पू शैयन बहुआ शर उन लकुम, और यह भी हो सकता है कोई चीज तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही हो मगर वो खैर ना हो शर हो। तो दोनों बातें कुरान ने एक जगह के ऊपर रखी है कि ये हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज बहुत बुरी लगे मगर वही तुम्हारे लिए खैर हो, और ये भी हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो मगर वो तुम्हारे लिए खैर ना हो शर हो। तवज्जो करिएगा, उसके बाद कुरान फैसला कर रहा है वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, तुम्हारे हक में खैर क्या है शर क्या है ये खुदा जानता है, तुम क्या जानो। तवज्जो करिए, तुम क्या जानो कि तुम्हारे लिए खैर क्या है शर क्या है ये खुदा जानता है। अच्छा हम नहीं जानते, तवज्जो करिए, का फैसला कर दिया का चूंकि तुम गैब और असरात और नतीजे को नहीं पहचानते हो लिहाजा कोई चीज जाहिरी तौर पे अच्छी लग रही है तुम उसे अपने लिए खैर समझोगे, हो सकता है कि ये शर हो। ओ, कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है मगर चूंकि उसका नतीजा उसके असरात अच्छे हो सकता है कि खैर वही हो। नन्ना सा बच्चा उसे इंजेक्शन खैर लगता है शर, कड़वी दवा माँ बाप जबरदस्ती खिलाते हैं खैर लगता है या शर। तो कुरान कह सकता है ना कि हो सकता है तुम्हें कोई चीज बड़ी बुरी लगे मगर खैर वही हो। अब एक जुमला कह रहा हूं, माँ बाप समझ रहे हैं उन्हें शौक नहीं कि बच्चे को अजियत पहुंचाए इंजेक्शन लगवाए, बच्चा तड़प रहा है लगवाने में तैयार नहीं है। मैंने कहा आप मोहब्बत करने वाले हैं, बाप हैं भाई हैं बुजुर्ग हैं, आपको रहम नहीं आता बच्चे को अजियत पहुंचा रहे हैं। कहा मौलाना आप बच्चे के तड़पने को देख रहे हैं, इसका फायदा और नुकसान ये क्या जाने, हम तय करेंगे कि इसके लिए खैर क्या है शर क्या है, इसके हक में फायदेमंद क्या है नुकसान दे क्या है। इतना दुनिया मान रही है कि माँ बाप को यह हक है कि वो बच्चे के खैर और शर के लिए फैसला करे। अगर कदम ऊपर उठाए जितना फर्क एक बाप में और उसके बच्चे के शऊर और समझ में है उससे कहीं बड़ा फर्क बंदे और उसके खुदा की समझ में है। क्या खुदा ये नहीं कह सकता तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे लिए खैर क्या है शर क्या है, ये तो हम जानेंगे। तवज्जो करिएगा, और इसीलिए जैसे हर छोटे और नासमझ बच्चे की जिम्मेदारी यह है कि कोई कदम माँ बाप की मर्जी के बगैर न उठाए, क्यों, इसलिए कि दुनिया की चकाचौंध उसे अपनी जानिब खींचेगी मगर चूंकि अभी यह खैर और शर को जानता नहीं लिहाजा बाप की जानिब देखता रहे बुजुर्ग की तरफ देखता रहे, यह क्या कह रहे हैं। वैसे ही बंदे की जिम्मेदारी यह है कि हम चूंकि अभी सतह शऊर में इतने पस्त हैं, हमारी सतह शोर की हमें क्या मालूम कि कौन सी चीज हमारे लिए मुफीद है कौन सी चीज नुकसानदेह है, लिहाजा हर मसले में परवरदिगार की जानिब देखता रहे, नहीं नहीं बल्कि अपने रोजाना के उमूर खुदा के हवाले कर दे नमाज सुबह ही के वक्त। चुनाचे नमाज सुबह की ताकीब ही में मासूम ने कुरान की इस आयत को रखा है कि अभी मुसल्ला छोड़ने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करो जिसे ताकीब कहते हैं, उसमें यह आयत है कुरान मजीद की وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اے پروردگار میں اپنے آج کے پورے دن کے تمام امور کو تیرے سپرد کر رہا ہوں, हो सकता है कि मैं बाहर निकलूं बाजार में जाऊं जिंदगी गुजारूं लोगों के दरमियान न जाने कितनी चीजें अच्छी लगेंगी न जाने कितनी चीजें बुरी लगेंगी मगर मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा कि मेरे हक में खैर क्या है मेरे हक में शर क्या है, मगर परवरदिगार मैं अपने उमूर का मालिक तुझे बनाता हूँ, तू फैसला करना जो चीज मेरे लिए खैर हो वो मिल जाए।
और जो चीज शर हो उससे महफूज कर लेना। तो ذات खुदा वो है, तवज्जो करिएगा, कि जिस ذات से सिवाय खैर के कोई और तसव्वुर आप कर ही नहीं सकते। जो असल बहस करनी थी उसके लिए इसको तमहीद बनाया था, मगर वक्त खत्म हो गया। हो सकता है इसे कल आपके सामने वाज़े करूं, मगर जल्दी से सुन लीजिए कि ذات खुदा से सिवाय खैर के कोई तसव्वुर इंसान अगर करता है तो खुदा के साथ सितम कर रहा है, अल्लाह को पहचान नहीं पा रहा है। जिसने जिसे उसने अपना नुमाइंदा बनाया है, अपनी हुज्जत बनाया है, अपने सिफात का मजहर बनाया है, अब वो भी वही है कि जिसकी जात से सिवाय खैर के और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इतना समझ जाए इंसान, अगर इतना समझ जाए कि ये इमाम है और इमाम से हमेशा खैर पहुंचेगा, शर नहीं पहुंचेगा, मैं जुमला दे रहा हूं, शर नहीं पहुंचेगा, तो अगर इमाम वक्त तंदूर का ढक्कन हटा के कह दे कि कूद जाओ, तो दाएं बाएं नहीं देखेगा। ये इधर उधर देखना इस बात की दलील है कि अभी फिक्र में इमामत उतरी नहीं है कि आया इमाम शर भी पहुंचा सकता है या खैर ही। सलवात पर मोहम्मद वालों, तवज्जो करिएगा, ये तो मैंने एक जल्दी से एक जगह पे लाके रोका चूंकि वक्त तमाम हो गया है। हुआ ना यही, वही आया था, इमाम को इमाम समझ रहा था, यानी जाते इमाम मुंतखब थी उसकी, मोयन थी कि ये इमाम है, इतना समझ रहा था, मगर ये इमाम कैसे हैं ये नहीं समझ रहा। लिहाजा कह रहा मौला बड़े लोग आपके हैं, हमारे इलाके में हमारी बस्ती में भी। इमाम ने कुछ देर तक इधर उधर गुफ्तगू किया, उसके बाद तंदूर का ढक्कन हटा दिया। देखिए वाकयात सब आपके सुने हैं, मैं तो अपना नतीजा दे रहा हूँ। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाह, किसी को आग में जलाना खैर है या शर? तवज्जो करिएगा, शर है अपनी एतबार से। आज दुनिया का कोई आदमी ये काम कहे, और अगर आप कर देंगे मुजरिम आप भी हैं। क्यों? आपको अक्ल दी गई थी, आपको फैसला खुद करना था, उन्होंने कहा कुएं में कूद जाओ तो आप कूद गए। बड़ी पुरानी मिसाल है ना, अरे उनके कहने से आप कुएं में कूद जाएंगे, क्या मतलब है? यानी वो कहते रहे मुजरिम आप खुद हैं, आप क्यों कुएं में कूद गए? तो ये नहीं कह सकता था कि किसी के कहे से तंदूर में कूद जाए। और फर्क यही है कि कहने वाला कौन है, कहने वाला कौन है। अगर ये मारिफत पैदा हो जाए तो एक लम्हे के लिए सोचना भी नहीं है, क्योंकि सारे सोचने का वक्त इमाम की शिनाख्त में लगा चुका। अब हर कदम पे सोचना नहीं है, इसकी दलील फौरन पेश कर दी इमाम ने। वो तो इधर उधर देखने लगा, मौला और क्या हो गया, गलती हो गई वगैरह वगैरह। इतनी देर में एक ऐसा शख्स आ गया जो इमाम को पहचानता था, वो ये जानता था कि जाते इमाम से सिवाय खैर के और कुछ नहीं मिल सकता। जो करिएगा, वह तमाम हो गया, सिवाय खैर के जाते इमाम से कुछ और नहीं पहुंच सकता। ये हारून मक्की बिला वजह तंदूर में नहीं चले गए, ये मारिफत है। तवज्जो करिएगा कि इमाम कभी किसी के लिए शर नहीं कर सकते। तवज्जो करिएगा, क्यों? नुमाइंदा परवरदिगार है। अभी से आगे कल आपके सामने वाजे करूंगा, तो तभी दी बहस थी कल के लिए, तवज्जो करें। लिहाजा जब इंसान को मारिफत पैदा हो जाए तो ये मारिफत इंसान के कदमों में वो सबात अता करती है कि फिर न तलवारें उसका रास्ता बदल पाती हैं, न नेज़े उसका रास्ता बदल पाते हैं, न भूख और प्यास उसके कदमों में लफ्ज़िश पैदा कर पाती है, न दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि नहीं नहीं, इमाम कह रहे हैं कि वो लोग कि जो भीड़ की सूरत में दीन के इर्द गिर्द नजर आते हैं जायके के लिए, मगर जब जरा सा आजमाइश होती है तो मजमा छट जाता है और थोड़े दीनदार बचते हैं, मगर जो लोग इमाम को पहचान के इमाम के पास आते हैं, इन्हें इमाम चराग बुझा के खुद भी कहे चले जाओ तो ये जाते नहीं, ये अपनी जगह पर तवज्जो करता। अब इनका रास्ता इमाम के रास्ते से अलग नहीं होगा। अब यहाँ बड़ी लतीफ़ बहस है, मगर मैं क्या करूँ कि मुझे उसी जनक जानना है, और वह इतना नहीं कि दोनों बातें आपके सामने अर्ज कर दिया जाए। मुख्तसर में बच्चों के लिए, अब शायद वाजे ना हो सबके लिए, मगर कह दूँ इसलिए कि बहुत सी बातें मैं छोड़ता जा रहा हूँ, कब उसे आपके सामने बयान करेंगे। कई गुफ्तगु नाकिस सी नजर आए, क्या आपने ये जुमला कहा था छोड़ दिया, ये बात कही थी छोड़ दी, वरना आप इसकी कोई तौजीह नहीं कर सकते
कि जब इमाम वक्त ने जन्नत की जमानत ले ली, चले जाओ जन्नत की जमानत हमारी, कयामत से न घबराओ, अपने नाना से मैं सिफारिश कर दूंगा, ये खुद से नहीं गए थे, मैंने कहा था इन्हें जाने के लिए, है ना। ये मेरे असहाब में से एक का हाथ पकड़ो लेकर के चले जाओ, कोई तुम्हें उंगली नहीं उठाएगा कि गए थे करबला भाग गए, कह देना कि हमें तो इमाम ने इनकी हिफाजत पर मामूर किया था, इन्हें खैरियत से घर पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी थी। जब इतने बहाने इतने रास्ते खोल दिए इमाम ने, फिर भी कोई गया क्यों नहीं। एक जुमले में इसका जवाब है, क्योंकि मारिफत का तकाजा ये है कि इमाम के रास्ते से अपने रास्ते को अलग न किया जाए। ठीक है, जन्नत भी मिल जाएगी, जहन्नम से भी बच जाएंगे, पैगंबर से आप सिफारिश भी कर देंगे, कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी, कोई एतराज भी नहीं होगा, बैत भी आपने उठा ली, सब कुछ ठीक। मगर अब अगर पलट जाएं तो इमाम का रास्ता अलग होगा, इनका रास्ता अलग होगा। तवज्जो करिए, ज्यादा जब मारिफत पैदा हो गई तो अब रास्ता एक होगा, जो रास्ता इमाम का वही रास्ता इनका। ऐसे असहाब जिसके पास हों, वो चंद घंटों के बाद इतना तनहा हो, ऐसे असहाब चंद घंटे पहले जिसको अपनी झुरमुट में लिए हों, चंद घंटों के बाद वो इमाम तनहा खड़ा हुआ एक आवाज दे रहा हो, और ये ऐसी गुरबत है कि जिस पर इमाम जमाना ने सलाम किया, सलाम हो उस हुसैन पर जो बिल्कुल तन्हा थे। तो नाम ले लेकर के हुसैन ने अपने असहाब को बुलाया, नाम ले लेकर के आवाज दी है, नहीं ये सारे असहाब वो हैं कि जो इमाम तक आए हैं और इमाम ने उसे चले जाने को कहा है, मगर यही असहाब में आज तीन मुहर्रम गुजरी, रवायतों में ये दोनों तारीख मौजूद है, तीन और चार, कि तीन तारीख या चार तारीख मुहर्रम की वो थी कि जब उमर साद का लश्कर 4,000 या 6,000 लोगों को लेकर के उमर साद करबला पहुंचा। और आज की तारीख या कल की तारीख, क्योंकि एक ही किताब में दोनों तारीख लिखी हुई है, सब ये कहते हैं या तीन मुहर्रम या चार मुहर्रम है, मसलन सोगनामे आले मोहम्मद में आप उठा करके देख सकते हैं, आने के बाद फौज 6,000 का लश्कर आ जाए किसी मैदान में, कैसा शोर होगा, कैसी वहशत और कैसी दहशत होगी, कहें तवज्जो करें। अब जो खैमों में खबर पहुंची, ज़ैनब को पता चला कि हुसैन के मुकाबले के लिए इतनी बड़ी फौज आई है, ज़ैनब का दिल घबरा रहा, भैया अब जमाना आपके चाहने वालों से खाली हो गया। अल्लाह, नहीं बहन ऐसा नहीं है, अभी दुनिया में हुसैन के चाहने वाले हैं, ये कौन है किसके ऊपर हुसैन को इतना एतमाद है, अब भैया तो फिर कब बुलाएंगे। इमाम ने खत लिखा, इमाम ने वो खत लिख रहा है, किसे खत लिखा जा रहा है, बचपन के दोस्त को, ऐसा दोस्त कि जो पहचानता है, बचपन से मारिफत रखता है हुसैन की, ऐसी मारिफत कि जब बचपने में इमाम आगे आगे चलते थे तो हबीब हुसैन के कदमों की खाक उठा उठा करके अपने सर पे डालते, पैगंबर गुजर रहे हैं अपने असहाब के साथ, अचानक एक बच्चे को लोग बच्चों के दरमियान से उठाया, पैगंबर ने सीने से लगाया, उसके लबो रुखसार को चूमने लगे, कुछ देर तक प्यार किया, उसके बाद आगे बढ़ गए, जो लोग साथ में थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बहुत सारे बच्चे थे, आप सबकी जानी मुतवज्जे नहीं हुए, उन बच्चों में से एक बच्चे को उठा के आपने तन्हा प्यार किया, पैगंबर ने कहा तुमने गौर नहीं किया वो बच्चा कर क्या रहा था, या रसूलल्लाह हमने नहीं गौर किया, तुमने देखा नहीं वो बच्चा वो था जो मेरे हुसैन के कदमों की खार उठा उठा करके अपने सर पर डाल रहा था, इसे हुसैन से इश्क है और जिसे हुसैन से मोहब्बत है वो मेरा महबूब है, ये कौन है, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है, बचपन के दोस्त की याद हुसैन को सफर में आई है, आलम मुसाफिरत में आई है, कदम लिया, कागज लिया, खत लिखा, हबीब रजुल फकीर,
مرد فقیہ کی جانب یہ خط ہے, کس کی جانب سے؟ حسین ابن علی کی طرف سے. اے حبیب تمہیں تو معلوم ہے پیغمبر سے ہماری نسبت کیا ہے, اے حبیب تمہیں تو پتا ہے پیغمبر سے ہماری قرابت کیا ہے, مگر حبیب یہ سمجھو کہ اب زمانہ بدل گیا, اب حالات بدل گئے, اب مدینہ چھوڑ چکا ہے, وطن چھوڑ چکا ہے اور ایک جگہ کربلا میں ہم پہنچ چکے ہیں. حبیب اگر نصرت کرنا چاہو تو اللہ جل جلدی کرنا, حبیب جلدی آؤ. یزید یہ خط پہنچایا, حسین ابن علی نے پہنچوایا, خط آیا, حبیب نے دروازے سے خط کو لیا ہے. ماحول اتنا کوفے کا خراب ہے کہ اب شوہر کو زوجہ پہ پورا اعتماد نہیں, زوجہ کو شوہر پہ اعتماد نہیں, بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں, کون حکومت سے ملا ہوا ہے کوئی خبر نہیں. لہذا خط کو چوما, پڑھا, سینے سے لگایا, لے کر کے گھر کے اندر آئے, زوجہ بے قراری سے پوچھے کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا. کیا لکھا ہے؟ کہا وہ راستے میں دشمن کے فوج کے درمیان گھرے ہیں, مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے. زوجہ کہتی کیا ارادہ ہے, کیا فیصلہ کیا؟ کہ میں سوچوں گا, ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے, سوچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری طرح سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا کوفے کے حالات کے تحت. مگر جو اگلا اقدام ریئیکشن سامنے آیا ہے, بے ایک مرتبہ اس زوجہ نے سر سے چادر اتاری, حبیب کے آگے کیا, حبیب یہ چادر لو, گھر میں بیٹھو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کا لال بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ابھی سوچیں گے تو فیصلہ کریں گے. تڑپ گئے حبیب, کرے بھلا یہ ہو سکتا ہے میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں, میں تو تیرے امتحان لے رہا تھا. نہیں نہیں, یہ چادر لو, گھر میں رہو, میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. کل ایک جملہ کہا تھا کہ امام وقت بہانے باز نہیں ہوتا, آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں, صحیح امام کا ماننے والا بھی بہانے باز نہیں ہوتا. کوفے کی گلی گلی میں پولیس ہے, ہر راستے میں پہرے ہیں, ہر راستے وہ بند کیا گیا ہے, سیل کیا گیا ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ابن زیاد کی فوج کا حصہ بن کر کے کربلا میں حسین کے مقابلے کے لیے جائیں. اور کوئی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے کوفے میں, کیسے نکلیں گے؟ توجہ کریے گا, ختم ہو گئی گفتگو عزیزو. کہتے ہیں غلام کو گھوڑا دیا, اسے جگہ بتائی, دیکھو فلاں جگہ پہنچ جاؤ اور وہاں جا کے میرے انتظار کرو, میں آؤں گا کسی طریقے سے. یہ ترکیب کیوں نکالی؟ کیونکہ غلاموں کا کام ہوتا تھا جانوروں کو چرانا, لے کر کے وہ شہروں سے باہر نکلا کرتے تھے, ان پر زیادہ روک ٹوک پوچھ تاچھ نہیں ہوتی تھی, یہ تو غلام ہے, جانور کو چرانے جا رہا ہوگا. پھر دوسرے راستے سے حبیب نکلے, تنہا ہے, خالی ہاتھ, بغیر سواری کے, ایسے میں بھی زیادہ شک نہیں ہوگا کہ کہیں نہیں جا رہے ہوں گے, نہ گھوڑے پہ ہیں نہ سواری پہ ہیں, پیدل کہاں تک جائیں گے؟ بہت زیادہ کسی نے تعارف نہیں کیا. اب وہ منزل آئی کہ جہاں پہنچنا تھا, مگر یہاں تک پہنچنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی, حبیب ذرا سی دیر ہو گئی. مقتل نے لکھا, حبیب اب جو پہنچے ہیں تو جو منظر دیکھا ہے کہ گھوڑا غصے سے زمین پہ ٹاپے مارتا تھا, تیز تیز سانسیں لیتا تھا, اور جو غلام ہے وہ گردن پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا نہ گھبرا, تھوڑی دیر اور, اگر میرا آقا نہ آ گیا تو میں خود تجھ پہ سوار ہو کر کے نصرت حسین ہو جاؤں. اللہ اکبر, اب جو یہ منظر دیکھا حبیب کہہ رہے اللہ, فاطمہ کے لال پہ وہ وقت آ گیا کہ اب غلام اور جانور بھی جان قربان کرنا چاہتے ہیں. اگر تم نے دل خوش کر دیا, جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. غلام نے پیروں کو پکڑ لیا, واہ خوب کہا, جب تک اپنی خدمت لینی تھی مجھے اپنے ساتھ رکھا, اب جب فاطمہ کے لال کی خدمت میں جا رہے ہو مجھے آزاد کر کے, نہیں نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اے ابھی تو اب سواری ایک, حسین کے جانے سار دو, کیسے آئے؟ یہ فقیر ہے, یہ فقیر ہے, یہ جانور پہ بھی ظلم نہیں کر سکتا, یہ مسائل سے آگاہ ہے. ابھی تو مقتل نے لکھا کہ عالم یہ ہے, اب یہ آزاد ہو چکا, غلام نہیں ہے, اب یہ بھی حسین کا ناصر ہے. اس حال میں حسین تک پہنچے دونوں کہ کچھ دور تک حبیب گھوڑے پہ, غلام پیچھے پیچھے دوڑتا تھا, کچھ دور کی دیر کے بعد غلام گھوڑے پہ, حبیب دوڑتے تھے پیچھے پیچھے. آئے ہیں, اصحاب نے گلے سے لگایا, پھر ایک شور بلند ہوا, زینب کے کانوں میں شور کی آواز,
फिजा देखो क्या हो गया, आई फिजा, खबर दिया ये शहजादी मुबारक हो, आपके भाई के बचपन के दोस्त अभी आए हैं, ए फिजा अरे इतना रहम करो, एक सहमत और करो, जाओ जाके हबीब को मेरा सलाम कह दो, ए हबीब तुम्हारा शुक्रिया, गुरबत ने हमारा साथ सबने छोड़ा, तुम आए हो जैसे ही सलाम आया, हबीब बैठे खाके करबला उठा के सर में डाली, अल्लाह अब शहजादियां गुलामों को सलाम कहेंगी, ए हबीब मुबारक हो ज़ैनब। إنا لله وإنا إليه راجعون قدر لقضائه وتسليمه بارے اللہ ہمارے سب کو قبول فرمائے پروردگار جو ہر مریض ہیں جن لوگوں جو لوگ ایسے مریض ہیں جن کی شفایا کی کے لیے کہا گیا ہے پروردگار ہم سب کو اس میں جیسے ہو سکے ایسے کے لیے شفا عطا فرمائے جو افراد مخصوص ان کے پاس کے دائیں کے پاس ہے ایک ہم دل والے سے کربلا ہم تک پہنچے اس کے ہمارے سامنے اور سب کو کیا بات ہے سارے شریف ہمارے